हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल पार्ट सेकंड। ग्रोथ मॉडल पार्ट सेकंड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ पर होती है ऑर्गेनिजम्स किसी पॉपुलेशन में? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, मतलब कोई भी लिविंग इंडिविजुअल के थ्रू यूज़ लिए जाने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। वाटर, एयर, फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो अनलिमिटेड हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका वो यूटिलाइज करते हैं, वो अनलिमिटेड हैं, मतलब ख़त्म ना होने वाले। नॉट अकर्स नेचुरली, ओनली इन लैब कंडीशन। इस टाइप की कंडीशन हम लोग एक्सपोटेंशियल, मतलब जहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, ऐसी कंडीशन नेचर के अंदर नेचुरली कहीं डेवलप नहीं हो सकती, हम लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई रिसोर्स किसी ना किसी लिविंग इंडिविजुअल के लिए कभी ना कभी लिमिटेड ज़रूर होगा। नॉट अकर्स नेचुरली, नेचर में अकर नहीं होती। इट अकर्स ओनली इन लैब कंडीशन, ये लैब कंडीशन में अकरेंस हो सकती है। ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज नोन एज फिटेस्ट बाय फिटनेस बाय डार्विन। कि डार्विन ने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है टू देयर मैक्सिमा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी तक, और दिस इज नोन एज फिटनेस, और इसी को फिटनेस बोल रहा है डार्विन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में रिप्रोडक्शन करता है और ये उसकी फिटनेस बोली जाती है अकॉर्डिंग टू डार्विन। इफ़ वी फाइंड आउट ग्रोथ, द ग्रोथ इंक्रीज और डिक्रीज। फाइंड आउट ग्रोथ, अगर आप लोग ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, उसका मॉडल लेते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो ग्रोथ दो ही टाइप से होती है, या तो इंक्रीज हो सकती है किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ, या डिक्रीज हो सकती है। को मेज़र करने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन साइज़ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी एन अपॉन डी टी से। इफ़ वी फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज, अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, घटती हुई पॉपुलेशन है, तो इसके लिए हम लोगों को एक लिमिटेड पीरियड लेना होगा, टी इज टाइम पीरियड। उसके लिए हम लोग टी टाइम पीरियड लेते हैं। हेयर इज द बी बर्थ कैपिटा पर कैपिटा स्मॉल बी, यानी यहाँ पर आप लोग बी किसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट मीन्स बर्थ रेट है, यानी पर कैपिटा जो इंडिविजुअल्स की बर्थ हो रही है उसको, एंड द डी पर कैपिटा दैट रेट रिटन बाय स्मॉल डी। इक्वेशन यहाँ से ये आती है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी एन माइनस डी और कैपिटल एन, बर्थ पर कैपिटा, डेथ पर कैपिटा एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इफ़ वी प्लॉट द ग्रोथ, अगर ये इक्वेशन मिल गई किसी पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसको देखने के लिए, इफ़ वी प्लॉट ए ग्रोथ, अगर हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन की इंक्रीज और डिक्रीज को देखने के लिए, इफ़ वी प्लॉट द ग्रोथ कर्व, जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन, इस टाइप कंडीशन में जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है, ये हम लोग देख सकते हैं, इट मीन्स ये इस टाइप का जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन, द इक्वेशन इज रिटर्न एज एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई आर टी। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई आर टी। यहाँ से कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल फॉर्मेशन आते हैं, एन टी इक्वल्स टू पॉपुलेशन साइज, एन टी क्या है, पॉपुलेशन साइज है, टी टाइम पीरियड। एट स्टार्टिंग
एट स्टार्टिंग आफ्टर टाइम टी, कब? एट स्टार्टिंग पॉपुलेशन टाइम साइज एट स्टार्टिंग, आफ्टर टाइम टी टी टाइम के बाद में एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई आर टी, ठीक है, ये लॉगरिथमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन, एन जीरो क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल मतलब शुरुआत में जब पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उस टाइम पीरियड के लिए हम लोग पॉपुलेशन साइज। ई इज द लॉग वैल्यू, आर द नेचुरल साइज इन पॉपुलेशन, आर इज द नेचुरल राइज इन पॉपुलेशन। आर क्या है? नेचुरल राइज, इट मीन्स पॉपुलेशन घट रही है बढ़ रही है उसका राइज बोल सकते हो, बेसिकली हम लोग इंक्रीज के लिए बोल सकते। ऑल्सो नोन एज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इस आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंट्रेंसिक रेट बोलते हैं। इंट्रेंसिक मतलब अंदर का होता है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ या साइज जो बढ़ रही है उसके लिए इंट्रेंसिक ग्रोथ दिया गया। आर डार्विन रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, डार्विन के अकॉर्डिंग ये आर क्या है? रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है, फिटनेस है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, डार्विन ने फिटेस किसको बताया था? फिटेस इसको बताया डार्विन ने। दैट ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज नोन एज फिटनेस बाय डार्विन। डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है फिटनेस? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, और वो फिटनेस कहलाता है। तो इंट्रेंसिक रेट क्या है? डार्विन रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग फिटनेस बोलते हैं। एंड टी द टाइम पीरियड इन विच वी फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन साइज, वो टाइम पीरियड जिसमें हम लोग पॉपुलेशन की साइज को मेजर करना चाहते हैं। इसके लिए उसी इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, पीछे वाले जो इक्वेशन थी वो ये है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी एन माइनस डी और एन, ठीक है, फिर इसके लिए अगर लॉगरिथमिक वैल्यू लिखते हैं एन टी एन जीरो ई आर टी, चेंज्ड इक्वेशन, ये एक चेंज इक्वेशन है, इसमें इंट्रिंसिक रेट का यूज लेते हैं। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, ठीक है, बिकॉज बी माइनस डी इज आर इंट्रिंसिक रेट, यानी डी और बी क्या है? बी माइनस डी इज आर यानी इंट्रिंसिक रेट है, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, ठीक है, क्योंकि बी और डी क्या है बेटा? इंट्रिंसिक रेट है, इंट्रिंसिक रेट मतलब ग्रोथ है, और ये क्या है? बी माइनस डी है, ठीक है, बी माइनस डी क्या आती है? बर्थ रेट और डेथ रेट है, और ये क्या होती है? इंट्रिंसिक रेट होती है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, ये डी एन अपॉन डी टी ये आर एन होगी, यानी यहाँ पर क्या था? डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी और एन था, ठीक है। तो बी माइनस डी क्या होता है? आर होता है, इंट्रिंसिक रेट है, यानी कितनी डेथ हो रही है कितनी बर्थ हो रही है वो इंट्रिंसिक रेट है, ये अपना इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होगी। ये चेंज इक्वेशन है। एक्सपोटेंशियल ग्रोथ का एक बेसिक फॉर्मेटिक बेसिक मेथड है कि ये एक्सपोटेंशियल ग्रोथ किसी नेचुरल कंडीशन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई भी लिविंग इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते किसी भी पॉपुलेशन के लिए, कभी ना कभी वो उस पॉपुलेशन के लिए क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और इसमें क्या है? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कब होती है? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, इसलिए ये नेचुरल कंडीशन में अकर नहीं होती, नेचुरली नॉट अकर, इट अकर्स ओनली इन लैब कंडीशन, ये खाली लैब कंडीशन में ही डेवलप होती है, यही इसका एक बेसिक मेथड है। फिर बात करते हैं, जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन दी है डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी और एन,
तो बी माइनस डी क्या है, बर्थ पर कैपिटा और डेथ पर कैपिटा है, और बर्थ पर कैपिटा और डेथ पर कैपिटा क्या होती है, इंट्रिंसिक रेट होती है। तो इस इक्वेशन को हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। ये था अपना एक्सपोटेंशियल ग्रोथ या ग्रोथ मॉडल पार्ट सेकेंड। थैंक यू।